सुफियान भाई 22-20 ही हूँ, 13 मंथ पहले फाइनल मेडिकल हो चुका था। वो यकीन नहीं है ना, ये साथ में देख सकते हैं। अब वैकेंसी भी 13 मंथ पहले लग चुकी थी और मेरा लेटर आ चुका है, लेकिन मैं 22-20 ही हूँ, ठीक है ना। जिसको लेटर मिल चुका है, और वो भी लेटर मिल चुके हैं किसमें, EME में लेटर उसको मिल चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुफियान भाई 22-20 हूँ, 13 मंथ पहले फाइनल मेडिकल हो चुका था, वैकेंसी भी 13 मंथ पहले लग चुकी थी और मेरा लेटर आ चुका है, लेकिन मैं 22-20 हूँ, ठीक है ना। इतनी बड़ी खबर शेयर करने जा रहा हूँ, 13 मंथ हो गए, मतलब 1 साल 1 महीना पहले उसका मेडिकल हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह जिसको लेटर मिल चुका है, और वो भी लेटर मिल चुके हैं किसमें, EME में लेटर उसको मिल चुका है। आपको यकीन नहीं है ना, ये साथ में आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुफियान भाई, ठीक है ना। वालेकुम सलाम जी, मेरा लेटर आ चुका है, चकवाल सेंटर से इसने अप्लाई किया था, ठीक है ना। दफ्तर सेंटर जो है कह रहे हैं कि अभी मुझे कॉल आई है, ठीक है ना, EME की मेरी वैकेंसी लगी थी, आपके चैनल से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, थैंक यू सो मच, वेलकम ब्रदर, अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे। कह रहे हैं कि 13 मंथ पहले मेरा फाइनल मेडिकल हो चुका था, मतलब 22-20 का लड़का है। 22-20 की भर्ती कब आई थी, अक्टूबर में आई थी, अक्टूबर के बाद इसका कोई मेडिकल हुआ है, ठीक है ना, और फाइनल मेडिकल हुआ है, और वैकेंसी भी उसकी कहाँ लगी थी, 13 मंथ पहले लगी थी, EME के लेटर आज उसको मिल रहा है, ठीक है ना। सीधी और सिंपल सी बात है, अगर आपको हमें सब्सक्राइब करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो इसी तरह न्यूज़ आपको सिर्फ हमारे ही चैनल पर मिलेंगे, ना कि किसी और चैनल पर। अब बात को यहाँ से समझने की कोशिश करें, अगर मतलब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल आप स्किप कर दें, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, ना कि कोई इंटरटेन आपको किया जाता है, ठीक है ना। सीधी और सिंपल सी बात है। अब बात करेंगे कि जिन्होंने 22-20 में अप्लाई किया था उनकी EME की वैकेंसी लगी थी, ठीक है ना, उसके बारे में भी बात करेंगे कि जिनकी वैकेंसियाँ नहीं लग रही है, ठीक है, वो 23 में है या 22-20 में, उनके बारे में भी इंशाल्लाह आपको एक अच्छी खबर देने जा रहा हूँ। लेकिन पहले आपको यह बता दूँ कि जिन्होंने EME में अप्लाई किया था उनकी वैकेंसी नहीं लग रही थी, या उनकी वैकेंसी लग चुकी थी और उनको लेटर नहीं मिल रहे थे, तो ये प्रूफ आप लोग के साथ सामने, चकवा सेंटर से लड़के ने अप्लाई किया था, अल्हम्दुलिल्लाह इसका लेटर आ चुका है, और ये कुछ ही मतलब दिनों में, कुछ ही हफ्तों में या ट्रेनिंग पर भी चला जाएगा, ठीक है ना, आप लोग के सामने है, ठीक है ना, कोई इसमें झूठ वाली बात नहीं है, हर चीज़ आपके सामने मैंने शेयर कर दी है, ठीक है ना। कमेंट भी आप लोग के सामने, रब्ता भी आप इससे कर सकते हैं, वीडियो के नीचे आप इसको कमेंट भी कर सकते हैं कि बाकी झूठ या सच है, या आपको ईच एंड एवरी थिंग बता देगा, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे कि मतलब 22-20 में अगर आपने अप्लाई किया, ठीक है ना, आपकी वैकेंसी नहीं लग रही, जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम होता है लड़कों के साथ, या 23 में अप्लाई किया तो वैकेंसी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरी जान भाई जान, ठीक है ना, वैकेंसी आपकी GHQ से लगती है, ना कि आपके सेंटर वाले लगाते हैं, सीधी और सिंपल सी बात है। अब ये लड़का कह रहा है कि 13 मंथ पहले वैकेंसी लगी थी EME की, अगर ये सब्र खो देता, अगर ये कहता कि बस मैं तो हार गया हूँ, ठीक है ना, तो भाई से हारने की तो एक ही चीज़ है, बस हार गए तो फिर हार गए, ठीक है ना। हमेशा मैं आपको कहता हूँ हौसला नहीं हारना चाहिए, ठीक है ना, अपने अल्लाह पे तवक्कुल रखें, ठीक है ना, अल्लाह पे यकीन रखें कि मेरा काम होगा, और काम बिल्कुल करने वाला ऊपर वाली जात है, ठीक है ना, मैं हूँ ना आप और ना कोई दूसरा, सीधी और सिंपल सी बात है। उसके बारे में बात करते हैं कि 23 में जिनकी वैकेंसियाँ नहीं लग रही हैं, तो ये ऑलरेडी आप लोग के सामने कि 13 मंथ पहले इसकी वैकेंसी लगी थी, अगर इसकी वैकेंसी ख़त्म होनी थी तो अभी तक हो चुकी थी, लेकिन इसकी वैकेंसी ख़त्म नहीं हुई, लेटर इसको मिल जाएगा, अल्लाह पाक इसको कामयाब करें, ढेर सारी खुशियाँ दें, ठीक है ना, हमारे दुनिया इसके साथ दें, हमसे तो जो हो सका हमने इसके साथ किया, ठीक है ना, आपके साथ भी करेंगे, जो आप हमसे होगा 100% कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरह गाइड करें, आपको ईच एंड एवरी थिंग बताएं, आपको सिलेक्शन का क्राइटेरिया बताएं, उसके बाद भी आप हमें सब्सक्राइब करें ना करें वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि सब्र किया करें, ठीक है ना, अपने बारी का वेट किया करें, जो भी इदारा, जो भी मतलब अगर ये मतलब देखें पाक आर्मी मतलब एक फोर्स, अगर वो विदाउट सिफारिश अगर आपको जॉब देती है तो उसमें ये अप डाउन चलते हैं, थोड़ा सा वेट मतलब उसमें चलता रहता है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से इसको आपने दिल पे नहीं लेना, ठीक है ना। 13 मंथ पहले इसने अप्लाई किया था, 13 मंथ मतलब अप्लाई इसने तकरीबन 15 मंथ पहले किया था, लेकिन लेटर उसको आज मिल रहा है 24 में, ठीक है ना। तो मैं तो सलाम करता हूँ इस भाई को कि इसने इतना बड़ा इंतज़ार किया, और उसके बाद भी फिर हमारे साथ एक अच्छी न्यूज़ शेयर की, और मेरा यहाँ पर सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश जो है वो इसलिए समझाता हूँ कि आप अपना सब्र ना खोएं, ठीक है ना। बाकी इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। चैनल पर पहली बार है, लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल के प्रेस करें, ताकि बार बार इस तरह मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में मदद करते रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल कैंडिडेट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।